कासगंज में जो बवाल चल रहा है लगातार, राज्यपाल ने भी कहा कि एक काला धब्बा है यूपी के ऊपर, कैसे देखते हैं इसको, आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात ठीक है। कासगंज के अंदर जो भी घटना घटित हुई है ये अच्छा नहीं है, बड़ी दुखद घटना है। और जहाँ पर कासगंज के अंदर दिल्ली तनाव कोई होता नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान परस्त लोग आ गए हैं और जो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान झंडे को ही स्वीकार कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सख्ती होनी चाहिए। अब उन्हीं लोगों ने एक हमारे कार्यकर्ता को मारा है, गोली से मार दिया है, शुरुआत उनकी तरफ से हुई है और मैं समझता हूँ कि सरकार सख्त कदम उठा रही है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। SIT का गठन कर दिया है, कोई अपराधी बचने नहीं पाएगा। सर, प्रशासनिक विफलता लेकिन देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, ये घटना इससे पहले भी कई बार हुआ, ये भी एक नहीं, इनके राज्य में तो इसके पहले कहीं कुछ हुआ नहीं है, इनके राज्य में तो पहली घटना है ये। और मैं समझता हूँ किस प्रकार की सजा दी जाएगी, ऐसा दंड दिया जाएगा कि फिर आगे कहीं कुछ होगा नहीं। रैली के DM ने जो फेसबुक पे लिखा कि चीन के बारे में लिखा कि पाकिस्तान का की चर्चा की करते हुए चीन पे बात करो, वो चीजें अधिकारी नहीं, बरेली के अगर DM ने इस प्रकार का काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीन का झंडा जलाओ और पाकिस्तान का मत जलाओ और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। किसी देश का झंडा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके साथ संबंध है, हमारे देश के सब देशों के साथ संबंध हैं और उसी हिसाब से देश की जनता को व्यवहार करना चाहिए और विशेषकर अफसरों को। अगर अफसर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर फेसबुक पर उन्होंने ऐसा डाला है तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।